राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बड़ी टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अयोध्या केस में सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होना जरूरी है। अगर सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी नहीं हुई तो फैसला देने का चांस खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर 4 हफ्ते में फैसला दे दिया तो ये एक तरह का चमत्कार होगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म नहीं हुई तो फैसला देने का चांस खत्म हो जाएगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बोले कि आज का दिन को मिलाकर हमारे पास सिर्फ सुनवाई खत्म करने के लिए 10.5 दिन बचे हैं। दिल्ली में आज हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक हुई। इस दौरान मीटिंग में कुमारी शैलजा, कुलदीप शर्मा, किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव, करण दलाल, शिव चरण शर्मा मौजूद रहे। मीटिंग में कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव को लेकर टिकटों को लेकर मंथन किया है। नई दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस करीब 40 प्रत्याशियों के नाम तय कर सकती है। 30 सितंबर को पहली लिस्ट कांग्रेस के सामने आएगी। इनमें ज्यादातर वो नाम शामिल होंगे जो इस वक्त विधायक हैं और 2009 और 2005 में विधायक रहे थे। पंजाब भवन में होने वाली इस बैठक में कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर में दिग्गज नेताओं की मीटिंग हो सकती है। इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल होंगे। मीटिंग में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी मंथन करेगी और ये मीटिंग विधानसभा चुनावों में सीटों और उम्मीदवारों के नाम के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। बीकानेर लैंड डील मामले पर जोधपुर हाईकोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर सुनवाई होगी। बीकानेर में 275 बीघा जमीन खरीद के मामले में स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ईडी की कार्रवाई रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मोरिन वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी है। बता दें कि पिछली कई सुनवाई से मामला लगातार टलता जा रहा था, जिसके बाद ईडी के वकील ने पिछली सुनवाई पर एतराज जताया था। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने 2 दिसंबर 2018 में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। गिरफ्तारी पर लगी रोक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने भी राजस्थान हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। एनएसए अजीत डोभाल एक बार फिर श्रीनगर पहुंचे हैं। इस दौरान वो लोगों और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए गए अब 50 दिन से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। घाटी में कुछ पाबंदियों के बीच सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। वही 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा और यहां पूरी तरह से केंद्र के कानून लागू होंगे। दिल्ली में जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए जेजेपी आई है। साथ ही उन्होंने वादा भी किया कि जेजेपी की सरकार बनी तो रोजगार मेरा अधिकार का कानून लागू करके निजी क्षेत्र में 75% प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज 87 साल के हो गए हैं। मनमोहन सिंह के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम को बधाई दी। अमेरिका दौरे के बीच ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से आज मुलाकात करेंगे। न्यूयॉर्क में होने वाली ये बैठक तब हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को मुलाकात की थी। इस मुलाकात में आतंकवाद समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ ट्रंप ने मुलाकात की थी तब भी ट्रंप और इमरान ने ईरान का मुद्दा उठाया था। इस दौरान ट्रंप ने ईरान को आतंकवादियों के नंबर एक देश बताया था। इसके अलावा पीएम मोदी आज साइप्रस के राष्ट्रपति और ग्रीस के पीएम से भी मिलेंगे। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी मेहुल चौकसी को लेकर एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने बड़ा बयान दिया है। गेस्टन ब्राउन ने मेहुल चौकसी को धोखेबाज करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जांच एजेंसियां एंटीगुआ आकर मेहुल चौकसी से पूछताछ करने के लिए आजाद है। मेहुल चौकसी को वापस अपने देश जाना ही होगा।
पीएम ब्राउन ने बताया कि मेहुल चौकसी की वजह से उनके सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा है। दरअसल चौकसी ने एंटीगुआ के इसी प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए एंटीगुआ की नागरिकता ली थी। पीएनबी घोटाले के तहत नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर 13,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है और आरोप लगने के बाद से ही मेहुल चौकसी और नीरव मोदी फरार है। लश्कर ए तैयबा के चीफ और वैश्विक आतंकी हाफिज सईद को राहत दिलाने के लिए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के सामने गुहार लगाई है। दरअसल पाकिस्तान ने हाफिज सईद को अपने बैंक खाते का इस्तेमाल करने की इजाजत की मांग की थी। इस पर संयुक्त राष्ट्र की समिति ने रोजमर्रा के खर्चों के लिए हाफिज सईद को अपने खाते का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। आतंकी हाफिज सईद मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है और भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलता रहा है। प्रतिबंध के बावजूद ईरान से कच्चा तेल खरीदना चीनी कंपनियों को भारी पड़ गया है। ईरान से कच्चा तेल खरीदने पर चीन से नाराज अमेरिका ने चीन की कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने प्रतिबंध लगाने का ऐलान करते हुए कहा है कि अमेरिका ने ऐसी चीनी कंपनियों के खिलाफ नए प्रतिबंध लगा रखा है जो अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के तेल की खरीद कर रही थी। पिछले दिनों सऊदी अरब ने तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले के बाद अमेरिका लगातार ईरान पर सख्त रवैया अपना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंधों को बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। पीओके के बाद अब इंडोनेशिया में भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया है। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.5 थी। भूकंप का केंद्र मलुक द्वीप बताया जा रहा है। फिलहाल भूकंप से किसी को नुकसान नहीं हुआ है लेकिन भूकंप में कई घर नेस्तनाबूत हो गए हैं। जोरदार भूकंप आने के बावजूद सुनामी को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। मॉनसून खत्म होने की कगार पर है लेकिन महाराष्ट्र में बारिश का थमने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र पुणे में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं जोरदार बारिश की वजह से सड़कों से लेकर घरों तक बारिश का पानी भर गया। वहीं सहकार नगर इलाके में दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन स्कूल को बंद कर दिया। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 3 टीमों को तैनात किया गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर नागपुर रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे का शिकार सीआरपीएफ का वाहन हो गया है। यहां सीआरपीएफ की गाड़ी को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। वहीं हादसे में सीआरपीएफ का एक जवान समेत 2 लोगों की जान चली गई है। ये वाहन पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर के सुरक्षा दस्ते में शामिल था। बिहार में 21 अक्टूबर को 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस ने इस उपचुनाव के सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। वहीं बिहार कांग्रेस चुनाव समिति ने यह फैसला करते हुए 5 लोगों का नाम आलाकमान को भेजने का ऐलान किया। इससे पहले आरजेडी भी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुका है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों के नामों का ऐलान कर दिया है। स्टार प्रचारकों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम शामिल हैं। यमुनानगर में बीजेपी की तरफ से कमल शक्ति महिला सम्मेलन किया गया जिसमें महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल बैरागी ने पहुंचकर आने वाले चुनाव को लेकर जहां महिलाओं में जोश भरा तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज विपक्ष कहीं भी नहीं है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार चुनाव में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा देखने को मिलेगी। हरियाणा में प्रदेश स्तरीय पैरा एथलीट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में गोला चौका के खिलाड़ी चैंपियन बने। इस दौरान बच्चों ने स्टेट प्रतियोगिता में 16 मेडल जीते। जानकारी देते हुए कोच सतनाम सिंह ने बताया है कि हिसार में विकलांग खिलाड़ियों के लिए प्रदेश स्तर पर पैरा एथलेटिक खेलों का आयोजन किया गया था जिसमें प्रदेश भर से सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर ने मरीज का पथरी का ऑपरेशन किया लेकिन पथरी नहीं निकली। इसके साथ ही लोगों ने मांग रखी कि अब या तो डॉक्टर पूरा इलाज करे या पूरे इलाज का खर्चा दे। वहीं डॉक्टर ने इस पूरे मामले में किसी तरह की लापरवाही होने से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी जारी है।
पलवल के हसनपुर कस्बे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक बच्चे की मौत के बाद उसके परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि देर रात उनको डॉक्टर, स्टाफ नर्स और एम्बुलेंस चालक सहित कोई कर्मचारी नहीं मिला, जिसके बाद एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। लापरवाही के चलते हुई नवजात की मौत के मामले में गुस्साए परिजन और गाँव वालों ने नवजात के शव को स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर रखकर गेट में ताला लगा दिया और धरना दिया। पानीपत में बिजली विभाग के चौकीदार से लेकर जेई तक रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुए हैं। मामला पानीपत जिले के गांव मनाना का है। पीड़ित का आरोप है कि पहले उसे ट्रांसफार्मर का नंबर लगवाने के लिए लाइनमैन 3,000 रुपए रिश्वत लेता है। उसके बाद पानीपत बिजली बोर्ड में गेट पर तैनात कर्मचारी को 100 रुपए देने पड़े। उसके बाद ट्रांसफार्मर को क्रेन से रखवाने के लिए भी 100 रुपए देने पड़े। पंचकुला में 65 साल की बुजुर्ग महिला का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक का नाम प्रेमवती है, जिसका शव अपने घर के बाहर पड़ा मिला। वहीं खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। इसके साथ ही वारदात की जगह का पंचकुला के डीएसपी ने जायजा लिया। एमपी की राजधानी भोपाल में आज मेट्रो परियोजना का शिलान्यास किया गया। प्रोजेक्ट उद्घाटन के समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई मंत्री पहुंचे। इस बीच सीएम कमलनाथ ने कहा कि इस मेट्रो के साथ एमपी का इतिहास बदलने जा रहा है। साथ ही बताया कि भोपाल मेट्रो का नाम राजा भोज के नाम पर होगा। इंदौर से नागपुर जा रही स्लीपर बस आज सुबह बैतूल बाजार के पास फोरलेन पर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 12 पैसेंजर्स गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। हादसा सुबह 5:30 बजे हुआ, जब बस बेकाबू होते हुए फोरलेन से नीचे उतरते हुए पलट गई। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू राजस्थान के कोटा पहुंचे। यहां रिजिजू ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। ये जनसंपर्क अभियान बीजेपी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद चला रही है। वहीं इस दौरान रिजिजू ने जनता को संबोधित भी किया, साथ ही उन्होंने बताया कि कश्मीर की भलाई के लिए क्या काम किए जा रहे हैं। किरण रिजिजू कोटा में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। जोधपुर के बासनी थाना इलाके में एक पुलिसकर्मी की लोगों ने पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी नशे में था और लोगों से पैसों के लेन देन की मांग कर रहा था। इस बात पर लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में बाइक चला रहा था और उसके साथ पीछे बैठा युवक भी नशे में था। हादसे में आरोपी समेत उसका साथी भी घायल हो गया। हालांकि इलाज के बाद आरोपी युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए सरकार ने 2025 तक लक्ष्य रखा है। टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है। मरीजों को सारी सुविधाएं भी निःशुल्क दी जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सरकारी डॉक्टर्स अगर निजी प्रैक्टिस करते या नर्सिंग होम में अपनी सेवाएं देते पाए जाएंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जिस पर सरकार द्वारा एक नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन इन सबके बावजूद गोंडा जिले पर तैनात जिला क्षय रोग अधिकारी ही अपना दायित्व नहीं निभाते दिख रहे। सदर कोतवाली के सरकारी आवास में महिला कांस्टेबल ने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2016 बैच की कांस्टेबल जुलेखा खातून मूल रूप से गाजीपुर जिले की रहने वाली थी। उसकी वर्तमान पोस्टिंग बनकटा थाने में थी। उसका सरकारी आवास देवरिया कोतवाली में था, जहां पर उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस विभाग में घटना के बाद हड़कंप मचा है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। अमीर भारतीयों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 8वें साल नंबर एक के स्थान पर बने हुए हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 3,80,700 करोड़ रुपए आंकी गई है। IIFL की लिस्ट के मुताबिक भारत की सबसे धनी शख्सियत मुकेश अंबानी की संपत्ति 3% इजाफे के साथ अब 3,80,000 करोड़ रुपए हो गई। इंडिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर लंदन में रहने वाले SP हिंदुजा एंड फैमिली है, जो इनकी संपत्ति 1,86,000 करोड़ रुपए है। इनकी संपत्ति में 17% की बढ़ोतरी हुई है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने खाते में मिनिमम बैलेंस नियम में थोड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के साथ लगने वाला चार्ज 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।
सबसे अहम बदलाव ये है कि बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर मासिक सीमा को पूरी तरह खत्म कर दिया है। SBI के ग्राहक अब इस तरह के असीमित ट्रांजैक्शन का फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही SBI ने अर्बन एरियाज के लिए एवरेज मंथली बैलेंस 5000 रुपए से घटाकर 3000 रुपए कर दिया है। बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, आज हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 106 अंक ऊपर उछला, तो NSE बेंचमार्क निफ्टी 44 अंक ऊपर पर खुला था। शुरुआती कारोबार में बाजार में बढ़ती दिखी और सेंसेक्स 39,000 के करीब दिखाई दिया। वहीं निफ्टी में भी 0.90 तेजी से ज्यादा की तेजी दिखाई दी गई है। इंडेक्स 11,550 पर देखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैरिबियाई देशों के एक समूह के लिए सामुदायिक विकास की परियोजना में 1.40 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की। उन्होंने सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए 15 करोड़ डॉलर की एक अन्य मदद की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने भारत कैरिबियाई समुदाय कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में ये घोषणा की है। एक अक्टूबर से होटल में ठहरना और कार खरीदना सस्ता हो जाएगा। दरअसल एक अक्टूबर से GST की नई दरें लागू होने वाली है, जिसके तहत होटल में रहना सस्ता होगा। अब 1,000 रुपए तक किराए वाले होटल रूम पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं इसके बाद 7,500 रुपए तक टैरिफ वाले रूम के किराए पर अब सिर्फ 12% GST देना होगा। वहीं 28% की GST के दायरे में आने वाले 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल डीजल वाहनों पर सेस को घटा दिया गया है। सातवें वेतन आयोग के तहत अपनी मांगों का लंबे समय से इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार ने हेल्थ सर्विस से जुड़े कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही इन कर्मियों को 26 महीने का एरियर देने का भी ऐलान किया गया है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों की सैलरी 41,000 रुपए से बढ़कर 53,000 रुपए प्रति माह बढ़ जाएगी। मीडिया में जारी खबरों की माने तो कर्मचारियों को कुल 26 महीने का एरियर दिया जाएगा। बढ़ी हुई सैलरी 1 जुलाई 2017 से लागू होगी। पंकज अडवाणी और आदित्य मेहता की जोड़ी ने विश्व टीम स्नूकर खिताब जीता है। पंकज अडवाणी और आदित्य मेहता की भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड की जोड़ी को 5-2 से हराकर IBSF विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। बंगाल वॉरियर्स और तेलुगु टाइटंस के बीच खेला गया मुकाबला। इस मैच में बंगाल की टीम को काफी करीबी जीत मिली और उसने मुकाबला 1 अंक से जीता। दोनों टीमों के बीच अंक का अंतर 40-39 का रहा। इस जीत के बाद बंगाल वॉरियर्स की टीम 73 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में पहले पायदान पर आ गई है। श्रीलंका के भारत दौरे का ऐलान हो चुका है। भारत अगले साल जनवरी में श्रीलंका क्रिकेट टीम की मेजबानी करेगा। दोनों देशों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। वहीं BCCI ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। चोटिल होने से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने वादा किया है कि वो मैदान पर दमदार वापसी करेंगे। बुमराह ने ट्वीट किया, चोट खेल का महत्वपूर्ण हिस्सा है, मेरे ठीक होने की कामना करने के लिए आप सभी को धन्यवाद, मैदान पर दमदार वापसी मेरा लक्ष्य। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को कोरिया ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के महिला एकल वर्ग के पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा है। वर्ल्ड नंबर 11 अमेरिका की बेवेन झांग ने कड़े मुकाबले में सिंधु को टूर्नामेंट के पहले दौर में मात देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 4 का एक और नया पोस्टर रिलीज हो गया है। इस पोस्टर में सारे स्टार्स एक साथ नजर आ रहे हैं। पोस्टर में नए और पुराने जनरेशन को एक साथ दिखाया गया है। डबल अवतार वाले पोस्टर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन, चिरंजीवी और रामचरण की मोस्ट अवेटेड मूवी सईरा नरसिम्हा रेड्डी के दमदार ट्रेलर के बाद इसका दूसरा ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में चिरंजीवी की अंग्रेजों के साथ लड़ाई दिखाई गई है, जो लोगों को आजादी के लिए मोटिवेट करते हैं। साथ ही अमिताभ बच्चन भी दमदार रोल में नजर आ रहे हैं। मुंबई में 10वें वोग ब्यूटी अवार्ड्स में बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स पहुंचे, जहां रेड कार्पेट पर स्टार्स ने अपने जलवे बिखेरे। सारा अली खान और सिद्धांत चतुर्वेदी ने यहां फ्रेश फेस का अवार्ड जीता है, तो कैंसर को मात दे चुकी ताहिरा कश्यप और सोनाली बेंद्रे ने ब्यूटी वॉरियर्स का अवार्ड अपने नाम किया।
ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर की एडवांस बुकिंग 27 सितंबर यानी कि कल से शुरू हो जाएगी। ये एडवांस बुकिंग फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले स्टार्ट हो रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। एक्शन से भरपूर इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म मर्जावा का ट्रेलर सामने आ गया है। फिल्म में आपको बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख साथ नजर आएंगे।